17 दिन से जो खबर देखने के लिए पूरा देश बेकरार था, मंगलवार को उसे लेकर मेहनत कामयाब हुई। उत्तरकाशी में जिन 41 मजदूरों को बचाने का मिशन 12 नवंबर से जारी था, वो 28 नवंबर को पूरा हो गया। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में की जा रही है। 17 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट और सेना की मदद से यह ऑपरेशन पूरा किया गया। 41 मजदूर टनल में फंस गए थे, 17 दिन तक ये फंसे रहे और अब ये आजाद है, सुरक्षित है। पूरा देश इनकी हिम्मत को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कहा कि 41 मजदूरों को बचाए जाने का यह पल भावुक कर देने वाला है। पिछले 17 दिन से चल रही जंग खत्म हो गई, जिसकी तैयारी एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू करने के पहले ही पूरी कर ली थी। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया था जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ती, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल रहे, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया। टीम के साथ पहिए लगे स्ट्रेचर, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भेजने की तैयारी की गई। टनल के अंदर जाने के बाद मजदूरों की जांच करने की भी योजना बनाई गई।